वहीं बाबा खाटू श्याम के मेले के साथ जयपुर से पदयात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में महारी झोपड़ी पधारो श्याम संस्था की 20वीं पदयात्रा इंदिरा बाजार आयसर प्लाजा से रवाना हुई। इस दौरान भक्त यात्रा में नाचते गाते बाबा श्याम के जयकारे लगाते रंग बिरंगे निशान हाथों में लिए रवाना हुए। यात्रा का मुख्य आकर्षण रथ में सवार बाबा श्याम की झांकी रही। इस दौरान मंडल संस्थापक राजकुमारी कुमावत ने बताया कि पदयात्रा से पहले बाबा श्याम के निशानों की पूजा और अर्चना, साथ ही महाआरती की गई। यात्रा 11 मार्च को गोविंदगढ़ डोरसर पहुंचेगी, जहां बाबा के भंडारे और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 12 मार्च को पदयात्रा खाटू धाम पहुंचेगी, वहां बाबा की पूजा अर्चना कर बाबा के चरणों में निशान अर्पित की जाएगी।